नमस्कार दोस्तों, वेदों और उपनिषद की कहानी सीरीज में आज की कहानी का शीर्षक है चक्रायन का धर्म संकट। चक्रायन का धर्म संकट। एक बार टिड्डी दल के प्रकोप से सारी फसल मारी गई और देश में दूर दूर तक दुर्भिक्ष फैल गया। लोग घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में भटकने लगे। महर्षि उपस्थि चक्रायन भी अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक दिन भिक्षा के लिए भटकते भटकते वे महावतों के किसी गांव में पहुंचे। वहां एक महावत बैठा हुआ उड़द की दाल की खिचड़ी खा रहा था। उपस्थि चक्रायन ने उसके पास जाकर कहा, भूखा हूँ, भिक्षा दो। महावत बोला, भगवन, यह जो खिचड़ी मैं खा रहा हूँ, मरे पास देने के लिए इसके सिवाय और कुछ नहीं है। उपस्थि बोले, तो इस खिचड़ी में से ही थोड़ी भिक्षा मुझे दे दो। तब महावत ने अपनी जूठी खिचड़ी में से ही भिक्षा के रूप में थोड़ी सी खिचड़ी उपस्थि को दे दी। फिर महावत बोला, लो यह पानी भी ले लो। उत्तर में उपस्थि ने कहा, यह मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यह तुम्हारा जूठा है। यह सुनकर महावत को बड़ी हैरानी हुई। उसने ताना देते हुए कहा, क्या यह खिचड़ी मेरी जूठी नहीं है? उपस्थि ने उत्तर दिया, बेशक यह खिचड़ी तुम्हारी जूठी है, परंतु भोजन के लिए कोई दसरा यथार्थ इस समय सुलभ नहीं है। इधर भूख के कारण मेरे प्राणों पर या बनी थी, आत्म जीवन रक्षा के लिए मैंने यह जूठी खिचड़ी ग्रहण कर ली है, परंतु पीने के लिए शुद्ध जल का अभी कोई संकट नहीं है, इसलिए जूठा पानी लेने की मुझे कोई विवशता नहीं है। उपस्थि ने कुछ खिचड़ी स्वयं खा ली और बाकी ले जाकर पत्नी को दे दी। उधर पत्नी को भी किसी ने थोड़ा सा अन्न दे दिया था, जिसे खाकर उसने अपनी भूख बुझा ली थी। अतः वह खिचड़ी उसने संभाल कर रख छोड़ी। दूसरे दिन महर्षि उपस्थि को समाचार मिला कि एक निकटवर्ती राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। उपस्थि ने अपनी पत्नी को भी यह समाचार सुनाया और उससे कहा कि यदि मैं किसी तरह ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि राजा मुझे भी यज्ञ कार्य में शामिल कर लेगा और मुझे अच्छी दक्षिणा भी मिल जाएगी। परंतु रास्ते में खाने के लिए कुछ मिले तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। भूखे तो मुझसे सफर भी नहीं होगा। पत्नी बोली, भगवन, कल की आपकी लाई हुई खिचड़ी सुरक्षित रखी है, उससे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। उपस्थि ने वह खिचड़ी ली और राजा के यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि यज्ञ मंडप बन चुका है। यजमान और पुरोहित तथा अन्य कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उपस्थि ने यज्ञ के ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और उद्गाता सबको वारी बारी से लक्ष्य करके कहा कि यदि तुम लोगों ने यज्ञ के विधि विधान में कहीं कोई त्रुटि कर दी तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उपस्थि की बातों को सुनकर वे सब डर गए और एक तरफ चुप होकर बैठ गए। तब राजा ने उपस्थि से कहा, श्रीमन, मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। उपस्थि ने उत्तर दिया, राजन, मैं उपस्थि चक्रायन हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवन, इस यज्ञ के लिए मैंने आपकी बहुत खोज कराई थी, पर आपका कहीं कुछ पता नहीं लगा। जब आप नहीं मिले तभी अन्य पंडितों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि आप ठीक समय पर पधार गए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप ही इस यज्ञ के समस्त कार्य कलाप का संचालन कीजिए। उपस्थि ने कहा, राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि कुल जितनी दक्षिणा आप इन सब पंडितों को देंगे उतनी ही दक्षिणा मुझे अकेले को देनी होगी। ये सब पंडित मेरे सहायक के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली।
उपस्थि चाक्रायण ने यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन किया और निश्चित समय पर यज्ञ विधि विधान सहित पूरा हो गया। अंत में महर्षि उपस्थि चाक्रायण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अन्य पंडितों को भी स्नेहपूर्वक उनकी भूलों से अवगत कराया। छांदोग्य उपनिषद की इस कथा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संकट की घड़ी में मनुष्य को क्या करना चाहिए। दुर्भिक्ष के कारण उपस्थि को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा, द्वार द्वार भटकना पड़ा और विवश होकर अंत में एक दिन जूठी खिचड़ी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा, परंतु उसने जूठा पानी लेने से इनकार कर दिया, अर्थात जीवन रक्षा के लिए आपद्धर्म के रूप में उसने जूठी खिचड़ी तो खा ली, पर इतना विवेक उसमें अवश्य रहा कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसने जूठा पानी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पानी का अकाल नहीं था। यज्ञ में दक्षिणा के लिए पर्वाग्रह भी उसी स्वाभिमान की निशानी है। विपत्ति में पड़कर भी जो मनुष्य अपनी योग्यता और विद्या को प्रकट नहीं कर सकता, वह भूखा ही मरता है। समय पर अपने व्यक्तित्व को उजागर करने से ही व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी कमा सकता है, अन्यथा ऊंचे आदर्शों का भी पालन नहीं हो सकता। संकट के समय आपद्धर्म का पालन करके जीवन रक्षा उचित है, परंतु आपद्धर्म केवल संकट काल के लिए है, सामान्य स्थितियों के लिए नहीं।